छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के प्रमोशन रद्द होने के मामले में सियासत तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे ने सहायक शिक्षक पदोन्नति के पोस्टिंग में हुए लेन देन की पुष्टि के बाद सभी पोस्टिंग रद्द कर नए सिरे से लिस्ट जारी करने को कहा है। साथ ही दोषियों पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षक प्रमोशन के बाद संशोधित पोस्टिंग लिस्ट को निरस्त किया जाएगा। वहीं निलंबित हुए सभी JD के खिलाफ FIR के भी निर्देश हैं। मामले में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा घोटाला हुआ है। इस बात को विधानसभा में भी उठाया गया था, लेकिन उस समय सरकार मानने को तैयार नहीं थी। वहीं मामले में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि भ्रष्टाचार करना छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजना है। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर वसूली का खेल खेला गया है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा घोटाला सामने आया। इस बात को विधानसभा में भी हम लोग उठाए थे कि लेन देन हो रहा है और लेन देन करके पोस्टिंग हो रही है, लेकिन उस समय मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन शिक्षा मंत्री जब परिवर्तन हुए, ये मामला सामने आ गया। सामने आने के बाद में उनको निलंबित करने का काम हुआ। उसमें मेरा केवल ये कहना है कि लोगों को परेशानी ना हो, एक जिला से दूसरे जिला जाना ना पड़े। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, करोड़ों रुपए इनके द्वारा ली गई है। तो ये जो इंटरव्यू भी है ना, समाप्त कर देना चाहिए। केवल आपका परसेंटेज के आधार पर यदि कर रहे हैं, परीक्षा नहीं है तो परसेंटेज के आधार पर करिए, और यदि लिखित परीक्षा है तो लिखित के आधार पर करिए। ये जो गोलमाल पूरे विभाग में हो रहा है, और गोलमाल जहाँ जो हो रहा है, ये ऐसे ही इसमें खाने का रास्ता निकालते हैं लोग। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का एकमात्र फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो है भ्रष्टाचार, वो है लूट, वो है वसूली। और अब जिस शिक्षा विभाग को हम बहुत सम्मान के साथ देखते थे, जिन गुरुजनों को हम बहुत सम्मान के साथ देखते हैं, उनसे भी ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम से वसूली की गई। ये वसूली बिना संरक्षण के हो नहीं सकती। किसके संरक्षण में, किसके लिए यह वसूली हुई? इसमें शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव का, इसमें शिक्षा विभाग के तत्कालीन मंत्री का क्या भूमिका है, मंत्री जी की क्या भूमिका है? ये जांच में स्पष्ट होना चाहिए, और जांच के बाद सबके ऊपर FIR होना चाहिए, ना कि 4-5 डिप्टी डायरेक्टर के ऊपर, एडिशनल डायरेक्टर के ऊपर शिकायत करने से कुछ भी नहीं होगा। ये बड़ा भ्रष्टाचार है, सरकार का उद्योग है, और सरकार के संरक्षण के बगैर ये काम हो नहीं सकता।